हाँ जी एवरीवन, तो अभी एक सेशन कर रहे हैं हम, 5-7 मिनट का जो भी टाइम लगेगा। सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ एपी, वैसे होता फॉर्मूला क्या है इसकी डेरिवेशन करेंगे हम। फॉर्मूला होता क्या है, n बाय टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। एन क्या होता है बोलो, जितनी टर्म्स का आप सम कर रहे हो। ए क्या होता है बताइए, फर्स्ट टर्म। एन क्या होता है फिर से, जितनी टर्म्स का आप सम कर रहे हो। अगर सपोज आप 99 टर्म्स का सम कर रहे हो तो एन की वैल्यू 99 लेंगे, और सपोज उस एपी में फर्स्ट टर्म माइनस फोर है तो ए की वैल्यू क्या लेंगे, माइनस फोर। सपोज उस एपी में जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 है तो डी क्या लेंगे, 5। ये वैल्यूज पुट करने के बाद आपका सम आ जाएगा उस एपी का, जितनी टर्म्स का आप सम निकालना है। ये याद होना चाहिए। इसका एक मॉडिफिकेशन भी है, वो भी कराता हूं कि इस फॉर्मूले का एक मॉडिफिकेशन भी होता है, लेकिन पहले इस फॉर्मूले को हम डिराइव कर लेते हैं, आइए आपके साथ करेंगे। डेरिवेशन से पहले एक छोटी सी बात बताना बेटा, अगर मैं कहता हूं 4 + 4 + 4 तो क्या मैं 4 × 3 लिख सकता हूं? किसी सेम नंबर को जितनी बार ऐड करते हो ना, उस नंबर को लिखो इंटू जितनी बार उसको ऐड कर रहे हो। अगर मैं कहूं 7 को मैंने 5 टाइम्स ऐड किया तो 7 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं बोलो, 5 से, 35 आ जाएगा। अगर मैं कहूं 108 को मैंने 3 टाइम्स ऐड किया तो 108 × 3 डायरेक्ट लिख सकता हूं, 324 डायरेक्ट लिख सकता हूं। ये बात बेसिक बात समझ आई या नहीं आई? इसी तरह से अगर मैं कहूं एक नंबर है 2, उसको मैंने 2 2 2 2 और कितनी बार ऐड किया, n टाइम्स ऐड किया, तो बताओ आंसर क्या आएगा, 2n। सेम नंबर को n बार ऐड कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा, 2 × n। ये बेसिक बात समझ आई? तो ये बेसिक बात इस फॉर्मूले को डिराइव करने के काम आएगी। आइए इस फॉर्मूले की अब डेरिवेशन आपके सामने करेंगे, लाइफ लॉन्ग हो जाएगी आपके पास, 11th में भी काम आ सकती है आपको। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स इसका रट्टा ही लगा लेते हैं, डेरिवेशन एग्जाम में ऐसे चाहेगी नहीं, लेकिन सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। अब बताइए SN, SN का मतलब सम ऑफ एन टर्म्स। तो मैं एक एपी मान रहा हूं जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है ए और जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है डी। तो फर्स्ट टर्म ए है तो सेकंड टर्म T2 क्या, T2 ए प्लस डी। इस तरह से T3 क्या होगा बोलो, ठीक है, और nth टर्म क्या होगी, इस तरह से बढ़ते बढ़ते, इस तरह से बढ़ते बढ़ते nth टर्म क्या होती है एपी की, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैंने तो अभी टर्म टर्म लिखी है, लेकिन मुझे तो इस एपी का क्या निकालना है, सम। तो बीच में प्लस प्लस के साइन भी लगा दो, हर टर्म के बाद एक प्लस का साइन भी आ रहा है। ये प्लस का साइन क्या दिखा रहा है, आप इस एपी की एन टर्म्स को ऐड कर रहे हो, क्योंकि मुझे फॉर्मूला ये ऊपर वाला डिराइव करके देना है आपको। तो इसकी एक टेक्निक क्या डिराइव करने की, देखिए मैंने क्या किया, ये एपी सीधा सीधा लिखा हुआ था, इसको उल्टा लिख दिया। मतलब इस एपी की लास्ट टर्म क्या नजर आ रही थी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको पहले नंबर पे लिख दिया यहां पे, क्योंकि मुझे आपको फॉर्मूला डिराइव करके दिखाना है। अब लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है तो उससे जस्ट पिछली टर्म क्या होगी बोलो, अगर सपोज किसी एपी में लास्ट टर्म है ए प्लस 7d तो उससे जस्ट पिछली टर्म क्या होगी, ए प्लस 6d। तो किसी एपी में लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है तो उससे जस्ट पिछली टर्म क्या होगी बोलो, यस। यहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूं, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी होगी, ये उठा के यहाँ पे सेकंड नंबर पे रख दिया। और चलते गए लास्ट में क्या आएगा, ए आ जाएगा। अब बस एक बार SN सीधा लिखा है, एक बार SN उल्टा लिखा है। SN क्या सिग्निफाई कर रहा है, सम ऑफ n टर्म्स। SN प्लस SN किया तो क्या आया, 2SN, twice of sum of n terms। अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, इसकी पहली टर्म a है और इसकी पहली टर्म क्या है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, दोनों को ऐड करेंगे पहली पहली टर्म्स को, a प्लस a 2a।
अब इसकी दूसरी दूसरी टर्म को ऐड करो, दूसरी टर्म इसकी क्या है, a प्लस डी, और इसकी दूसरी टर्म क्या है, a प्लस एन माइनस टू इंटू डी। सरप्राइजिंगली क्या हुआ, सेम ही आएगा, क्या आएगा, सेम 2a, करके देखो a प्लस a क्या हुआ 2a, अब प्लस d प्लस dn माइनस 2d, जब सॉल्व करोगे तो यही आ गया ना, n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से लास्ट टर्म्स को भी ऐड करो, a प्लस a क्या हुआ 2a, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा आया समझ, अब ध्यान से देखो, अगर आप देखेंगे कि सर यहां पे भी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फर्स्ट फर्स्ट टर्म को ऐड करके सेकंड सेकंड टर्म को ऐड करके भी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जनरेट हुआ, और लास्ट लास्ट को भी ऐड करके क्या जनरेट हुआ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बार बार 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जनरेट हुआ, और कितनी बार जनरेट हुआ, n बार, क्योंकि n टर्म्स है, ये कितने टर्म्स है n। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था एक सेम नंबर को n बार ऐड कर रहे हो, जैसे 5 5 5 5 n बार ऐड होगा तो 5n आएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बार बार 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको n बार ऐड किया तो क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, हाँ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये किसके इक्वल था, शाबाश बताइए, ट्वाइस sn, और ये 2 जाके उसके चरणों में चला जाएगा, किसके चरणों में चला जाएगा, n के, मतलब नीचे चला जाएगा, n बाय 2 हो जाएगा, ये जो 2 है ना sn के साथ, इसको n के नीचे ले जाओ, ले जाओ, तो n बाय 2 हो गया फॉर्मूला डिराइव। क्या था फॉर्मूला ap के n टर्म्स का, n बाय 2। अब इसका रट्टा लगाना है, डिराइव कर दिया, रट्टा लगाना है, क्या होता है n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यस, इसको अब आपने याद रखना है, डन। इसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर रहा हूं इस फॉर्मूले की, हाँ जी, इसकी मॉडिफिकेशन भी करके दे रहा हूं। Sn का फॉर्मूला होता है सर n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक काम करते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं हल्का सा, क्योंकि दो फॉर्मूले आएंगे काम, इस 2a को क्या कर दो, थोड़ा सा ब्रेक कर दो, 2a को ब्रेक करके a प्लस a लिख लो, 2a को ब्रेक करके क्या लिख लो a प्लस a, हाँ जी बेटा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। आपको पहले कहीं देखा है, आपको पहले कहीं देखा है, कहां देखा है आपको, हमने डेजा वो हुआ ना आपको, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n एक टर्म होती थी, क्या होती थी हमारी, तो एपी के सम के दो फॉर्मूले हो गए, एक फॉर्मूला क्या हुआ ये क्या बेटा, एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और मॉडिफाई करके क्या मिला, एन बाय टू इंटू ए प्लस एल। अगर आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है ना सेकेंड वाला, तो आपको एक तो नंबर ऑफ टर्म्स पता होना जरूरी है, एन फर्स्ट टर्म पता होना जरूरी है, और लास्ट टर्म पता होना जरूरी है, और पहले वाला फॉर्मूला लगाना है तो एन बाय टू एन पता होना जरूरी है, ए फर्स्ट टर्म पता होना जरूरी है, एन पता होना जरूरी है, कॉमन डिफरेंस पता होना जरूरी है। तो ये दो फॉर्मूले आपके 10th में भी काम आएंगे और 11th में भी काम आएंगे, ठीक है जी, मैंने इसको डिराइव करके दे दिया, अब इसको आपका काम है याद रखना इसको, ठीक है, थैंक यू।